सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम फिर से कह रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आपको याद होगा, पिछली वीडियो हमने काफ़ी ज़्यादा गोल्ड और पैसा चुराया था, जिससे अब हम बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं पहले से। तो वैसे मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा ज़ुकाम हो रखा है। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं फ्रैंकलिन के पास, क्योंकि फ्रैंकलिन और ट्रेवर दोनों ने अपनी गाड़ियों को जो है पूरा गोल्ड करवा लिया। तो उसने पता नहीं क्यों बुगाती चिरोन को गोल्ड नहीं करवाया, बल्कि उसने दूसरी गाड़ी चीता को वो गोल्ड करवा दिया, और ट्रैवल ने तो अपने वही मोस्टर ट्रक को करवाया। तो फिलहाल हमने अपनी सियान को जो है गोल्ड में चेंज नहीं करवाया, क्योंकि अपनी गाड़ी जो है मतलब बिना गोल्ड कलर की अच्छी लगती है। देखो जैसे मतलब ये जो स्काई ब्लू वाइट जो इसमें ब्लू कलर सारा मिक्स करके बनाया, भाई क्या एक नंबर ओपी ना, मतलब इतनी अच्छी गाड़ी लगती है, मतलब गोल्ड में वो मज़ा नहीं आएगा इसमें। तो उसकी जगह हमने एक नया घर ले लिया, तो वो मैं आपको फिलहाल बाद में बताऊँगा। पहले वो ट्रैवर के पास जाना है हमें। सो गाइज, यहाँ पे हम पहुँच गए फ्रैंकलिन के घर में। तो ट्रैवर जो है वो एयरपोर्ट में आ चुका है, जहाँ पे हमारी गाड़ियों की डिलीवरी आ चुकी है। तो यहाँ पे हम फ्रैंकलिन भी आ चुका है गाइज, और हम जा रहे हैं यहाँ से एयरपोर्ट, यहाँ पे ट्रैवर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो जल्दी से चलते हैं, तो पहले मार्क कर लेते हैं ज़रा सा एयरपोर्ट का रास्ता। तो हाँ, यहाँ पर है एयरपोर्ट, तो जल्दी से चलते हैं वहाँ पर। बाकी गाइज, हमने एक नया अपार्टमेंट लिया जो कि बहुत ही आलीशान और इतना ख़तरनाक है ना, मतलब क्या ही बताऊँ। और वहीं पे मैं सोच रहा हूँ कि एक जो है शोरूम टाइप, नहीं बोल रहा मतलब एक अच्छा सा गराज टाइप लूँ, मतलब जब हम लेंगे ना आप खुद हैरान हो जाएंगे किस तरह का गराज सोचा है मैंने वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं अपनी सारी पर्सनल कार्स रखूँगा, मतलब जो भी नई नई कार्स लेने वाले हैं। और जल्दी हम एक शोरूम भी खोलने वाले हैं गाड़ियों का, तो जहाँ पे हम गाड़ियाँ बेचेंगे इंपोर्ट करवा के। और यहाँ पे हम पहुँच गए एयरपोर्ट में, और मॉडिफिकेशन करके भी गाड़ियाँ बेचेंगे, जो कि बैनी ही करेगा। तो फिलहाल हमें उसने कहा था कि लास्ट वाले जो उसने एक नया यहाँ पे वो ले लिया हुआ है, हाँ ये वाला जो एरिया है, जो सारा क्या बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं है, तो ये सारा ट्रेवर ने खुद का ले लिया हुआ है। तो यहाँ पे ओ भाई साहब, चीता पूरी गोल्ड में मल चुकी, लेकिन ये इसका ट्रक तो स्काई ब्लू नहीं, ब्लू कलर का दिख रहा है। तो लाइट से भी ये तो गोल्डन कहीं से लग, अच्छा थोड़ा सा साइड से गोल्डन लग रहा है ये भाई। ये देखो भाई, चीता तो पूरी गोल्ड दिख रही है, तो सही है, पर ये ट्रक तो इसका कहीं से भी गोल्ड नहीं दिख रहा भैया। ड्राइवर चचा, ये क्या करवा दिए हो? देखो भाई, ये तो पूरा कलरफुल, रुको ज़रा उतर के देखना पड़ेगा गाइस, ये तो कहीं से भी मुझे गोल्डन नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा गोल्ड लग रहा है बस। तो जल्दी से देखते हैं क्या दिक्कत है ये। तो सामने से थोड़ा थोड़ा गोल्ड तो लग रहा है। अच्छा, तो इसने गोल्ड के साथ साथ कलर भी करवाया है, या शायद हाँ कुछ ऐसा ही है। तो गाइस, फिलहाल हम जा रहे हैं अपने अपने घर पे। तो मैं तो जा रहा हूँ आप सबको दिखाने कि हमारा नया अपार्टमेंट कैसा है। तो फिलहाल जल्दी से चलते हैं अपने नए अपार्टमेंट में। तो गाइस, यहीं पे हम पहुँचने वाले अपने अपार्टमेंट। तो ये माइकल के पुराने घर से काफ़ी नज़दीक है, तो भाई गाड़ी में तो किन के 10 सेकेंड लगते हैं पहुँचने में। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर, तो यहीं पे लिया है हमने अपार्टमेंट। तो जल्दी से चलते हैं अंदर। अरे भाई साहब, एक तो ना थोड़ा सा दिक्कत है, अरे हाँ ये वाला खुलता है। तो जल्दी से चलते हैं अंदर, और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। और ये वाला अपार्टमेंट अभी भी का नहीं है, हम क्या पता हम फ्यूचर में वो भी ले लें। तो ये है यहाँ की एंट्रेंस, और सामने है ये एक रूम है, ये आपको मैं बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे है किचन, और यहाँ पे है सोफ़ा और टीवी, और सामने का मतलब ये नज़ारा देखो गाइस, मतलब क्या ही ओपी नज़ारा भाई। इस घर से सारा भाई माउंटेन दिखता है, और वो ऊपर वाला दिख रहा है जो आपको यहाँ पे एक मिशन भी हमारा था, हुआ था GTA 5 में, वो जब हम गेम मिशन के गेम प्लेस करते थे, तो वहाँ पे एक मिशन भी हुआ था हमारा, एक नहीं बहुत सारे मिशन हुए शायद। तो फिलहाल हम चलते हैं ऊपर, ऊपर एक रूम है तो वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बेड लगा हुआ, और यहाँ पे कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए क्लोज़ेट है, और ये बेड थोड़ा सा अजीब सी पोजीशन में है। और यहाँ पे भी सामने बालकनी है, और यहाँ पे अच्छा शीशा लगा हुआ है। तो और यहाँ पे है हमारा बाथरूम, तो ये बाथरूम है, तो यही है ऊपर वाला एरिया। और आपको मैं लेके चलता हूँ नीचे वाले एरिया में, वहाँ पे दिखाता हूँ क्या है।
तो सबसे मेन रूम जो कि हमने लेस्टर के लिए बनवाया कि कल को लेस्टर यहाँ पे कभी भी आए तो वो यहाँ पे अपनी हैकिंग वैकिंग कर सके, इसलिए उसके लिए हमने यहाँ पे एक पूरा ऑफिस बना रखा है जहाँ पे हमने पीसी वीसी रखा दिए हैं। तो गाइस और चलते हैं, नहीं रुको, आपको ये वाला दिखा दिया क्या मैंने? हाँ, तो यहाँ पे है सारा मतलब डाइनिंग एरिया, मतलब डिनर विनर करने के लिए सब कुछ, और यहाँ पे बुक्स वगैरह भी रखी हैं, मतलब टाइम पास करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो यही थी गाइस आज का हमारा वीडियो, तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना, मुझे भी पता है जब अजीब ही आ रही होगी। सो बाय।